सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, पता नहीं आज क्या हुआ था, मैं सुबह सुबह खाना खाने गया आंटी के साइड वाले आंटी के घर पे, और जैसे ही आंटी के घर से आया, घर में थोड़ा सा लेट के टीवी देखते देखते दोस्तों मैं सो गया सुबह 12 बजे। अब 12 बजे पता नहीं इतना ज़्यादा नींद कहाँ से आ गया, सो गया 12 बजे और उठा एकदम डायरेक्ट 4 बजे। उठ के देख रहा तो 4 बज गए, आज कुछ नहाया नहीं, फ्रेश नहीं, कुछ नहीं देखिए, बाल वाल एकदम जंगले जैसा हो गया, दाढ़ी वाड़ी पूरा बढ़ गया। ये सब कटिंग करने जाना है दोस्तों, अभी दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैं इतना लेट कर रहा हूँ, कटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिवाली में हम गाँव वगैरह जाते हैं, तो सोचा गाँव जाने के 5-6 दिन पहले कटिंग करके गाँव जाते हैं। अभी जल्दी करूँगा तो कैसा, फिर से बड़े हो जाएंगे ना। और ये दाढ़ी तो दोस्तों, ये दाढ़ी मूछ 2 दिन में ही फट से बड़े हो जाते हैं, इसलिए सोचा थोड़ा दिवाली पास पास आएंगा तभी ये करेंगे, मतलब कटिंग वगैरह करेंगे, ये सोच के मैं अभी तक कटिंग नहीं किया, लेकिन परसों के दिन कर लूँगा कटिंग, क्योंकि दिवाली भी अभी आ चुकी है ना, अब कितना और 1 हफ्ता बाकी है सिर्फ दिवाली के लिए। तो ठीक है, अभी देखिए अभी बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, और आज तो नहाना भी भूल गया क्योंकि सो के था ना दोस्तों। अभी जल्दी जल्दी जाऊँगा, तुरंत से बढ़िया नहा के फ्रेश हो जाऊँगा। अभी आंटी आए थे, आंटी बढ़िया घर वगैरह साफ करके गई है, मैं अभी खुद को साफ कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, फाइनली नहाना हो चुका है, एकदम बढ़िया फ्रेश हो गए हैं हम। अभी टीवी देख रहा था मैं कुछ टाइम, लेकिन कल से ना दोस्तों मुझे एक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गले में, और खांसी खांसी जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी ठंडी का भी सीज़न आ चुका है ना, और खांसी खांसी लगने के कारण अच्छा भी नहीं लगता है दोस्तों, कैसे तो भी गले में महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन बेकार जाता है। तो अभी नहाना वगैरह हो चुका है, तो जल्दी से मैं काढ़ा बना लेता हूँ, और अभी शाम भी हो चुका है, करीब 7-6 बजने को आ रहे हैं। आंटी ने देखी बिरयानी, देखे गए ये रहा बिरयानी, फटाफट काढ़ा बना के पी लेता हूँ। और आज आज भी मैं कहीं बाहर नहीं गया, क्योंकि बाहर जाने का मन नहीं करता दोस्तों, क्योंकि घर में कोई नहीं रहा ना, फिर बाहर जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता, तो मैं घर में ही पूरा दिन आज तो सो के था, पूरा दिन आज सोने में चले गया। अभी मैं जल्दी से काढ़ा बनाता हूँ, काढ़ा बनाने के बाद जल्दी काढ़ा पीता हूँ, क्योंकि काढ़ा पीने के बाद नहीं का दोस्तों अच्छा लगेगा गले में। तो कल ही मेरे को बनाना चाहिए था, लेकिन आज बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। काढ़ा में दोस्त तुलसी का अगर पत्ता दिए है तो बहुत ज़ोरदार काढ़ा बनता है, इसलिए तुलसी के पत्ते तोड़ के लेके जाता हूँ, अपन तुलसी का पत्ता भी ऐड करेंगे काढ़ा में। तो काढ़ा बनाने के लिए दोस्तों मैंने एक इलायची लिया, इतने सारे मैंने तुलसी पत्ता लिया, और इतना सा एक मैंने अदरक लिया। तो इसको अभी मैं तुलसी पत्ते को ऐसा तोड़ के पानी में डाल दूंगा, ये हमने तुलसी पत्ता डाल दिया, अभी अदरक, अदरक ज़्यादा डालूंगा क्योंकि इसमें हम लवंग भी ऐड कर सकते थे, लेकिन लवंग घर में अभी मुझे मिला नहीं, मम्मी ने कहा रहा कि, तो मुझे ढूंढने में भी नहीं मिला, तो इसलिए अदरक में थोड़ा सा ज़्यादा मिला रहा हूँ। इसमें अदरक हमें बहुत सारा मिला है, काढ़े के लिए इतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, हो जाता। और ये मैं एक ही इलायची, इलायची मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक डाल देता हूँ। लास्ट में मैं थोड़ा सा चाय पत्ते डाल देता हूँ इसमें। अभी बचा है शक्कर, मेन चीज़ भूल गया दोस्तों, थोड़ा सा हल्दी भी देते हैं काढ़े में, तो मैं थोड़ा सा हल्दी भी दे देता हूँ, ये बहुत अच्छा होता है जब गला ख़राब होता है, हल्दी गले के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक कर देता है एकदम गला। लो अभी हमारा काढ़ा हो चुका है रेडी, अभी हम पीने बैठेंगे, बढ़िया बन गया। तो ये हो चुका है रेडी, अच्छा बनाया, तो पी लेता हूँ गरम गरम, ठंडा हो जाएगा तो फिर मतलब नहीं रहेगा पीने का। तो बहुत टाइम हो चुका है, अभी रात रात हो गया है, देखिए अभी रात के अभी 8 बज चुके हैं, तो मुझे लगी थी अभी बहुत जोर से भूख। तो आज सुबह सुबह आंटी ने मेरे लिए बिरयानी लेके आए थे, सुबह नहीं करीब, हाँ मतलब दोपहर के बाद ही ला लिए थे बिरयानी मेरे लिए आंटी ने, तो अभी बिरयानी खाऊंगा। सुबह मैं एक आंटी के घर पे खाना खाने गया था, अभी बिरयानी है और साथ में है रायता, तो जल्दी से मैं बिरयानी और रायता खा के अपना पेट पूजा पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी। कैरी मिनाटी को देख रहा था मैं जब से, हाँ उसको देखते देखते भूख लग गई, बहुत गाली देता है।
दोस्तों फाइनली हमारा खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज का भी पूरा दिन टाइम पास करने में चला गया दोस्तों, क्योंकि आज था संडे, हमारा ट्रेडिंग का सेशन भी नहीं था। तो अभी रात बहुत हो चुका है, ये वाला लास्ट वाला क्लिप मैं काफ़ी टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं मूवीज़ देख रहा था। अभी सोने का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं बेड के ऊपर बैठा हूँ। अभी जल्दी से जल्दी इस वाले व्लॉग को मैं एडिट करूँगा, फिर अपलोड करूँगा। ये सब कुछ करते करते सुबह के 3 बज जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, नए लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद ही दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। नए लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे व्लॉग्स को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं इसी तरीके से अपने चैनल पर डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ और रेगुलर अपलोड करता हूँ। रोज मेरे व्लॉग्स सुबह के 8:05 में रोज मैं व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। हर रोज कोशिश करता हूँ नया कुछ कंटेंट दिखाने का। कुछ नहीं भी रहा तो भी फिर भी मैं कुछ ना कुछ डेली व्लॉग्स अच्छी तरीके से बनाकर मैं रोज अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो ठीक है, नए लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अभी इस वाले व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। दिन